हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योगा बेटा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने अपने लास्ट वीक के परफॉर्मेंस के बारे में। ओवरऑल लास्ट वीक हमारे लिए काफी अच्छा रहा था। ऑलमोस्ट सारे रिकमेंडेशन हमारे पॉजिटिव ही रहे सिवाय ऑप्शंस के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी, निफ्टी हमने जो कहा था उसी रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो वो फ्लैट क्लोजिंग की वजह से हमने होल्ड करने की सलाह देंगे। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, हमारे एक वीक पहले के टारगेट्स इस वीक में अचीव हुए हैं। ऑलमोस्ट वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 प्लस। आरबीएल बैंक के अंदर हमने जो कहा था वहां से 3-4 रुपए प्लस के अंदर क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी टारगेट से दूर है तो उसमें अभी भी होल्ड करेंगे। और आईटीसी मेड ह्यूज प्रॉफिट, 28,000 का प्रॉफिट। हमने टारगेट दिया था 291 का और अभी लास्ट क्लोज आया है 295 के ऊपर। सो इट वॉज अ वेरी गुड वीक ओवरऑल। ऑप्शन के अंदर अगर अपने बात करें तो निफ्टी के अंदर टाइम डीके की वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो छोटा हल्का सा एक लॉस हुआ होगा। आरबीएल बैंक के अंदर भी फ्लक्चुएशन की वजह से एक लॉस ट्रिगर हुआ है और बैंक निफ्टी और आईटीसी ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। ओवरऑल वी बिलीव यू मस्ट हैव मेड अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ सिद्धार्थ शाह, अ स्टॉक एनालिस्ट बाय प्रोफेशन, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मार्केट आउटलुक फॉर दिस वीक स्टार्टिंग ऑन 14th ऑफ जनवरी 2019। एज एनालाइज्ड बाय मी विथ माय टीम, द मार्केट आउटलुक फॉर दिस वीक इज हियर। टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंडेक्स सेगमेंट, अबाउट स्टॉक्स एंड स्क्रिप्ट्स टू एज अ स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट वीक। मोरओवर कमोडिटीज के अंदर सिर्फ हम अपना बेसिक व्यू देंगे, रेंज नहीं दे पाएंगे। ज्यादा एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं बचा था ड्यू टू फेस्टिव सीजन हियर इन गुजरात। मोरओवर अपकमिंग इवेंट्स के बारे में भी हम कहेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन से इवेंट्स है कि जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द पोजीशंस और ट्रेड इन द मार्केट। लेट अस स्टार्ट विद द इंडेक्स सेगमेंट। अंडर इंडेक्स सेगमेंट टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50। ओवरऑल निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़े ग्लोबल इश्यूज एंड ऑल दैट वो तो बरकरार थे ही, 3-4 और चीजें ऐड हुई है। आईआईपी ग्रोथ का डेटा आया है नवंबर का जो थोड़ा नेगेटिव है, इसका एक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर। मोरओवर अवर एनएससी चेयरमैन रिजाइन ड्यूरिंग द लास्ट वीक, तो एक थोड़ा बहुत मार्केट क्यूज उसकी वजह से बना है। अपकमिंग बजट के अभी भी इश्यूज खड़े हैं और एक ही पॉजिटिव चीज जो लास्ट वीक में हमको मिली, दैट वॉज इन्फोसिस डिक्लेयरिंग अ बायबैक। इस न्यूज के बाद इवन इन्फोसिस का ईडीआर मार्केट के अंदर यूएस मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 7% से भी ज्यादा बाउंस दिया था, तो एक मार्केट को स्टेबल रखने के लिए ये एक अच्छा न्यूज है। बट ओवरऑल वी बिलीव मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने में ज्यादा मजा है। व्हाई आर वी सेइंग सो, इस बार हम रीजन के साथ दे रहे हैं। यू कैन चेक ऑन द चार्ट्स जो हमने अभी स्क्रीन पे दिए है। ऑन द चार्ट्स अगर आप देखें तो फर्स्ट लो बन रहा है मार्केट का एट 10,340, देन आफ्टर दूसरा लो बना है 10,540, तीसरा लो बना 640, अभी जो लो बना वो 740 का। तो हमारा मानना है मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, कॉन्स्टेंटली एक नया लो बना रहा है जो एक हायर साइड के ऊपर है। सो ओवरऑल वी बिलीव कि मार्केट इस वक्त इस वीक के अंदर ब्रेकआउट देगा और एक हैवी ब्रेकआउट हो सकता है। हम काफी टाइम से उसके लिए वेट कर रहे हैं। ओवरऑल वी बिलीव मार्केट टू बी बुलिश, इसलिए हम कहेंगे गो लॉन्ग। ऑलरेडी हम लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अगर नई पोजीशन लेना चाहता है तो निफ्टी के अंदर वो कौन सी रेंज में एंटर करे। निफ्टी लास्ट क्लोज ऑफ निफ्टी वॉज एट 10,794। वी बिलीव यू कैन लॉन्ग द फ्यूचर्स अबाउट 10,840। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और गैप अप ओपनिंग दिया या फिर उसके क्रॉस करके निकला, मार्केट एक पॉजिटिव मोड में टर्न हो सकता है। स्टॉप लॉस वुड बी एट 10,730। इवन हमारे प्रीवियस के अंदर भी हम स्टॉप लॉस से रिवाइज कर रहे हैं 10,730 का। टारगेट होगा 10,980 एंड दूसरा टारगेट होगा 11,070 का। सो निफ्टी के अंदर लॉन्ग फ्यूचर्स करें। ऑप्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं, यू कैन बाय अ कॉल ऑप्शन एट 11,000 कॉल एक्सपायरी ऑफ दिस जनवरी मंथ। करंट मार्केट प्राइस इज एट 61, बाय एट सम अराउंड 70। अगर गैप अप ओपन हुआ तो 70 के अराउंड मिल सकेगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा 40 का, टारगेट होगा 110 का एंड देन आफ्टर 140 का। अंडर बैंक निफ्टी, इफ वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, द लास्ट क्लोज ऑफ बैंक निफ्टी वॉज एट 27,453। वी बिलीव अगर 27,500 के लेवल्स को वो क्रॉस करता है या उसके ऊपर का कोई एक दिन क्लोज भी दिखा दिया तो भी पॉजिटिव है। सो वी वुड से गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी एट द मार्केट ऑफ 27,500 इन स्पॉट। स्टॉप लॉस वुड बी एट 27,360 एंड टारगेट होगा हमारा 27,700 एट फर्स्ट, और दूसरा टारगेट होगा 27,950। सॉरी, फर्स्ट टारगेट वुड बी
27,780, and then after the second target would be 27,950. Options ke andar kya kar sakte hai? You can buy a call expiry of 27,700. Current market price hoga 260 ka. Buy at the range of 275-280 ke beech mein. Stop loss lagaye 180 ka. Target hoga 425 ka. And our second target would be of 500. Under commodity segment, talking about gold and silver. Last close of gold and silver on MCX was bullish. Usne ek achhe bullish sign dikhai hai. Lekin is week humko lag raha hai halki si profit booking ho sakti hai. Kyunki stock market ek positive mode mein aa raha hai. To is mutabit aap apni tarah se trade le. Now, let us talk about some upcoming events to the market during this week. Talking about bonus split, dividend, right issue, quarter results and upcoming IPOs. ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियां इस वीक में रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको लग रही है उसका एक लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा. जी लिमिटेड, मेंट्री, अतुल लिमिटेड, ICICI Lombard, HDFC Bank and HDFC AMC. ये results market के अंदर एक बहुत ही बड़ा impact ला सकते हैं, ये वो वाले results हैं. Moreover, अगर बात करें अपने bonus के बारे में, Riddhi Corporation is one की जो इस week bonus declare कर रही है in a ratio of 10:25. Dividend की बात करें तो there are three companies which are declaring dividend, TCS, Bajaj Corp and Delta Corp during this week. इसके अलावा there are no right issues, there are no even IPOs on the main board coming up for this week. Keep this in mind and trade accordingly. Then what should be your strategy to trade during this week? Talking about your strategy, सबसे पहले तो हम RBL Bank को hold कर रहे हैं जिस तरह last week में हमने किया था. एक long position हमने बनाया था, वही position अभी भी हम hold कर रहे हैं RBL Bank के अंदर. करंट मार्केट प्राइस उसका है 576 के अराउंड का. बाय रेंज हमारा तब भी 570-273 का था. अभी भी अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ले सकता है. स्टॉप लॉस रहेगा 560 का और हमारा टारगेट होगा 590-600 का. ओवरऑल वी बिलीव कि मार्केट के अंदर आरबीएल बैंक ने अभी भी बुलिश साइन दिखाया है. यू कैन कीप होल्डिंग. ऑप्शन के अंदर इस बार आरबीएल बैंक में हम कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि ऑप्शन में वेरिएशन उसमें बहुत हद से ज्यादा है. फ्लक्चुएशन आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल. कुछ भी स्टॉप लॉस देंगे वो ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है. बेटर है उसको फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करें. टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट स्टॉक, द नेक्स्ट स्टॉक वुड बी कोल इंडिया. कोल इंडिया के अंदर हमको लग रहा है कि एक शॉर्ट साइन बन सकती है अगर मार्केट एक लेवल से नीचे गया तो. एट प्रेजेंट द मार्केट प्राइस इज एट 232.25. शॉर्ट कोल इंडिया बिलो 230. टारगेट होगा 222 एट फर्स्ट और दूसरा टारगेट 218 का. हमारा स्टॉप लॉस होगा 234 का. तो ओवरऑल 230 के लेवल्स के नीचे जाए तो ही शॉर्ट दिख रहा है. बाकी वहां से एक स्टेडी बाउंस भी आ सकता है, बट क्योंकि ऑल टाइम लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है और अगर वो ऑल टाइम लो को ब्रेक कर दिया 228 का, देन आफ्टर नो वन कैन स्टॉप टू रीच 222. टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस इन कोल इंडिया, आप पुट एक्सपायरी, पुट ऑप्शन ऑफ दिस जनवरी एक्सपायरी आप ले सकते हो. 225 का करंट मार्केट प्राइस 1.70 है. 150-160 के बीच में कहीं पे भी बाई करे, टारगेट होगा 3.25 का पहला और दूसरा होगा 4 का. स्टॉप लॉस लगाए 60 पैसे का. जस्ट टू समिट अप व्हाटएवर वी हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो, हमारे मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे. यू कैन शॉर्ट कोल इंडिया एंड गो लॉन्ग ऑन आरबीएल बैंक. Allow me to put a disclaimer, we are not registered with SEBI as an investment advisor. The views given here are purely for learning and educational purpose. Please consult your financial advisor before acting on any of our view and trade at your own risk. Meanwhile, अगर आपको कोई स्टॉक के अंदर क्वेरी है whether to buy, hold or sell, you can drop us a comment in the box below. Our team would be ready to reply you. Overall, we believe you must have liked this video. I like this video would be available with you talking about the market outlook for the upcoming week. Do share the video and subscribe to our channel for further updates. For any queries, you can drop us a mail on our official ID, connect@yourcapita.com. Till then, stay connected, stay invested along with Your Capita, as we just don't need money, we make a difference.